बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान खतरनाक होता जा रहा है। इसकी रफ्तार बढ़ने की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तूफान अम्फान का केंद्र ओडिशा के पारादीप से 980 किलोमीटर दक्षिण में और पश्चिम बंगाल के दीघा से 1130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और बांग्लादेश के खेपूपाड़ा से 1250 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। दिल्ली मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रो ने बताया कि ये चक्रवाती तूफान भयावह रूप ले सकता है। ये 20 मई की दोपहर और शाम के बीच में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से गुजर सकता है। इस चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते अगले 4 दिनों तक कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मछुआरों को 18 से 21 मई के बीच समुद्र में दूर तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। जो समुद्र में हैं उनसे तटों पर लौटने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ ने फिलहाल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 17 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और उनके अफसर राज्य सरकारों और मौसम विभाग के साथ संपर्क में है। The district administration, the state government agencies for active evacuation from the possible impacted areas. All in all, NDRF is fully geared with all the equipment and all the paraphernalia to face the situation. And we will be updating as we go along. मौसम विभाग का अनुमान है कि इस तूफान के चलते दिल्ली NCR में भी मौसम में उतार चढ़ाव देख सकता है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।